हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आज हम बनाने वाले हैं कड़ी पकोड़ा। तो फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो में लास्ट तक बनी रहें, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी कैसी बनी है और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं ये रेसिपी। क्योंकि मैंने तो अपनी मम्मी, दादी, नानी और अपनी सासू माँ से इसी तरह सीखी है, तो अपने सुझाव मुझे जरूर दीजिएगा। ये बेसन है जो मैंने मार्केट से मंगवाया तो कई दिन पहले था, लेकिन मैं इसे डिब्बे में करना भूल गई थी, तो सोचा चलो आज ही कर लेती हूँ। और जितनी मुझे ज़रूरत होगी मैं ले लूँगी, और बाकी मैं डिब्बे में बंद करके रख दूँगी। और अब मैं पकोड़े बनाने के लिए, कढ़ी में डालने के लिए पेस्ट तैयार कर रही हूँ। उसको अच्छे से फेट लेना है, जिससे कि उसमें कोई गांठे ना रहें, और बिल्कुल पतला नहीं रखना है, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखना है, मतलब ठीक रखना है बस, जिससे कि पकौड़ियाँ बनाने में परेशानी ना हो। और ये इधर मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई है, उसमें जो मैंने तेल डाला था वो भी अच्छे से गर्म हो गया है। उसके बाद मैं उसमें पकौड़ी डाल दूँगी छोटी छोटी करके। आप जैसी चाहें अपने हिसाब से बना सकते हैं, बड़ी या छोटी, मुझे थोड़ी मीडियम पसंद है। और ये है मेरा दही जो मैंने घर पे ही जमाया था रात में, और मैंने एक पैकेट मट्ठे का अमूल वाला मार्केट से मंगवा लिया था, और उनको एक साथ मिक्स करके अच्छा सा इसका एक घोल तैयार कर लिया था। और उसमें अब मैं 2 बड़े चम्मच बेसन की डाल देती हूँ। आप अपने हिसाब से बेसन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इसी घोल में ही मैं सारे मसाले भी डाल दूंगी, जैसे कि हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार, और हाथ से इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि ये सब कोई भी इसमें गांठ ना रहे, और अच्छे से एक अच्छा सा स्मूथ सा एक घोल तैयार हो जाए। और ये मैं डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर स्वाद अनुसार, आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर तीखा खाते हैं तो ज़्यादा, और कम खाते हैं तो कम कर सकते हैं। और ये जग में मैंने एक बार फिर से पानी घुमा करके डाल दिया है, कि जो भी थोड़ा बहुत इसमें जो दही और मट्ठा लगा होगा वो भी उसमें ऐड हो जाएगा। और इधर मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, और मैंने कढ़ी छौंकने के लिए सरसों के तेल का यूज़ किया है, और उसमें मैंने डाले हैं मेथी के दाने। और उसके बाद डाल दूंगी मैं हींग, और जब ये दोनों अच्छे से भुन जाएं गोल्डन ब्राउन, तो उसमें डाल दूंगी मैं 2 लाल मिर्च तड़के के लिए, और इनको अच्छे से चला देंगे। और जब लाल मिर्च अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन हो जाए, तब हम डाल देंगे उसमें प्याज, और लहसुन मैंने काट के रखा हुआ था वो मैं इसमें डाल दूंगी। ये देखिए,
और इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भूनेंगे। और जब ये अच्छे से भुन जाएं तो हम ये मैंने डाला है इसमें करी पत्ता। ये मैंने पत्तों को सुखा करके, करी पत्ते को सुखा करके डिब्बे में स्टोर करके रख लिया था। मैं बहुत देर से ढूंढ रही थी तो मुझे मिल नहीं रहा था, ये मैंने अब लास्ट में डाला है। और जब ये अच्छे से भुन जाए तब हम उसमें डाल देंगे जो हमने करी के लिए घोल तैयार किया था बेसन वाला, और उसको आराम से डालना है जिससे कि वो सीधा कढ़ाई में जाए। और भगोने में थोड़ा सा पानी घुमा करके एक बार फिर से डाल देंगे जिससे कि हमारी जो कढ़ी है उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। आप अगर गाढ़ी खाते हैं तो कम पानी डालें, और थोड़ा सा आप पतली खाते हैं तो रसे वाले तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अपने हिसाब से पानी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस भगोने में बेसन लगा हुआ था, मैं सभी को पानी से मिक्स करके उसमें डाल दूंगी। और एक बार उसको अच्छे से चला दूंगी क्योंकि मेरी गैस तेज़ हो रही है और उसमें उबाल आने लगा है। कढ़ी को चलाना बहुत ज़रूरी होता है, जितना आप कढ़ी को चलाएंगे उतना ही अच्छी बनती है। और चलाना और उसको पकना, जितनी चलेगी और जितनी देर तक वो पकेगी उतनी ही कढ़ी का स्वाद बहुत अच्छा आता है। और ये सबसे लास्ट में डाला है मैंने गरम मसाला जिससे कि खुशबू आती रहे अच्छी। और अब मेरी कढ़ाई में आ गया था उबाल, तो जो मैंने पकोड़े बनाए थे ये देखिए आप भी खा लीजिए, वो मैं उसमें डाल दूंगी सारे के सारे। बस मैंने दो पकोड़ी बचा ली हैं अपने खाने के लिए। और ये देखिए मेरी कढ़ाई में अच्छे से उबाल आ रहा है और वो पकना शुरू हो गई है। और ये देखिए हमारी कढ़ी अब बन गई है और गाढ़ी भी हो गई है। और इधर मेरा चावल बन रहा है क्योंकि कढ़ी के साथ चावल बहुत ही अच्छा लगता है। और ये देखिए हमारी कढ़ी अब बनकर तैयार हो गई है, देखिए ऊपर एक लेयर सी जम गई है मसाला। और ये देखिए हमारा चावल भी बन गया है। कढ़ी की खास पहचान है जब वो पकते पकते ऊपर से मलाई की तरह लेयर जमने लग जाए तो समझ लो हमारी कढ़ी बन गई। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आज जो मैंने ब्लॉग बनाया है वो बहुत ही रिक्वेस्ट सब घर में सब लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कई दिनों से कि कढ़ी बनाओ कढ़ी बनाओ। मैंने सोचा चलिए आज सबकी फरमाइश पूरी कर ही देती हूँ। और कढ़ी मैं पिछले लास्ट वीक बनाने वाली थी पर बना नहीं पाई किसी वजह से, और जिसकी वजह से ये हो गए थे मुझसे नाराज कि तुमने कढ़ी नहीं बनाई है, क्योंकि इनको कढ़ी और चावल बहुत पसंद है। वैसे तो मुझे भी बहुत पसंद है, तो आज मैंने सोचा फाइनली चलिए बना देते हैं कढ़ी। और दोस्तों आप लोगों का जो प्यार और मुझे सपोर्ट मिल रहा है उसके लिए आप सभी का मेरी तरफ से तहे दिल से आभार। तो बस दोस्तों यूं ही अपना सहयोग और प्यार बनाए रखिएगा, और अपनी इस बहन पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। और यार एक एक सब्सक्राइब करने में क्या जाता है? आप जहां दूसरों की वीडियो देखते हो दूसरे चैनलों को सब्सक्राइब करते हो, प्लीज हमें भी करो ताकि हमें भी कुछ और बेहतर करने का मौका मिले। तो प्लीज दोस्तों मुझे भी सपोर्ट करो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। और YouTube पर कोई किसी की हेल्प नहीं करता है, मैंने ये बात देखी है कि अगर किसी से आप हेल्प मांगोगे जो बड़े यूट्यूबर हैं कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा। आपको जो भी करना है खुद से ही अपने आप को मजबूत बनाना है, अपनी एक पहचान बनाना है। और मैं ऐसा कोई काम नहीं करती कि किसी पे गलत वीडियो बना दी या किसी के बारे में कुछ भी गलत बोल दो सिर्फ व्यूज के लिए या सब्सक्राइब के लिए। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं जो भी मेरा डेली रूटीन है मेरी लाइफ का वो मैं आपको दिखाती हूँ और आगे भी दिखाती रहूंगी। बस आप अपना प्यार और सहयोग मुझे बना के रखिएगा, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही आपसे मेरा निवेदन है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा,
और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।